धनबाद से निकला हज यात्रियों का जत्था कोलकाता के लिए हुए रवाना। कोविड के बाद हज के पाक और मुकद्दस सफ़र का शुरुआत हो चुका है। आज धनबाद के हज यात्री कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। धनबाद से बाई ट्रेन कोलकाता के लिए निकले हैं, वहां से उनका फ्लाइट सऊदी अरबिया के लिए है। इस साल पूरे झारखंड से 2898 जायरीन, वहीं धनबाद से 325 जायरीन हज यात्रा पर जाएंगे। हज यात्रा पर रवानगी के दौरान हज यात्री काफ़ी भावविन नजर आए। रेलवे स्टेशन पर उन्हें अलविदा कहने पहुंचे परिजनों ने भी दुआओं की अर्जी लगाई। आइए देखते हैं हज यात्रियों ने क्या कुछ कहा। क्या कहना चाहेंगे, आप जा रहे हैं हज पे? हाँ जी, हाँ जा रहे हैं हज पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे, अपने देश के लिए। बोल के फिर बाबू, अपने देश के लिए करेंगे दुआ। हाँ, अमन कायम छाइन रहे, देश तरक्की करे। सरकार कैसी व्यवस्था की आप लोगों के लिए? सरकार अच्छा किया, अच्छा किया है। हाँ हाँ, बस बस। आज तो खुशनुमा मौसम भी हो गया है। हाँ हाँ हाँ, रहमत बरस रहा है। अच्छा अच्छा, सही बात है। आप भी जा रहे हैं दादी? हाँ, हम लोग हज में जा रहे हैं, हम लोग हज में जाने जा रहे हैं। अल्लाह हम लोग भी हज में ले जाए। इस हज पे जा रहे हैं हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? कौन से चैनल से? आप लगते हैं सबको दुआ करेंगे, झारखंड का जितना भी है मुसलमान भाई। कब से प्लान बना रहे थे आप हज को जाने के लिए? हम बुलाए हैं तब हम हाजिर हो गए, तब अल्लाह ने हमको बुलाया तब हाजिर हो गए हैं। कितनी खुशी हो रही है अल्लाह के घर में? बहुत हमको खुशी है, जब उसका शक्ल हम देख लेंगे तो सबसे बड़ा जन्नत के दरवाजा कहाँ मिलेगा। अल्लाह चाहे तो यही कदम है, मौत भी आ जाए तो हम जन्नत की दरवाजा खोल लेंगे। भारत के आवाम के लिए, हज के लिए। इनकी और इनकी अहलिया दोनों जा रही है, चचा है हमारे, चची जाना दोनों जरिया ऊपर काम कर रहे थे आप लोग हज को जा रहे हैं। ये तो देखिए, ये एक ऐसा चीज है हज जो सबको नसीब नहीं होता है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको अपने घर पे बुलाता है, ठीक है। बहुत सारे दौलतमंद, बहुत सारे जखीरे जिनके पास है उनको भी अल्लाह हिदायत नहीं देता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको अल्लाह पाक ने हिदायत दिया कि इनको हज बैतुल्लाह का शर्फ नसीब हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हाजी साहब, हाजी साहबा पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए दुआ करें, अमन चैन से हम लोग रहें और जितने भी लोग हैं सभी को हज बैतुल्लाह नसीब हो। कोरोना के बाद पिछले साल भी हज यात्री गए लेकिन कम गए, इस बार बहुत ज्यादा तादाद में जा रहे हैं, तो किस तरह का इंतजाम किया गया है झारखंड सरकार के? झारखंड सरकार का इंतजाम थोड़ा सा गलत है, पता नहीं क्या रीजन है कि हर बार रांची से हज के लिए जाते थे, इस बार कलकत्ता से जा रहे हैं, जिसपे हाजियों को 6600 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ रहा है कलकत्ता से जो फ्लाइट हो रहा है, इसमें परेशानी। हाँ, मैं हज कमेटी के चेयरमैन जनाब इरफान अंसारी साहब से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आइंदे साल बराए मेहरबानी इस तरह का किसी तरह का असुविधा ना हो, बहुत सारी दुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ जो परिवार लोग जाते हैं उनको भी बहुत सारे दुविधा, उसमें जाने में दिक्कत हो रहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जाइए आप देश के लिए अमन चैन की दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग बैठ रहे हैं ट्रेन में, क्या परिवार वाले लोग और आसपास के लोग, पूरा जो स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर हम लोग 2 पे है, पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर में लोग भरे हुए हैं, अपने परिवार के लोगों को छोड़ने के लिए आए हुए हैं, आखिरी मुलाकात करने के लिए आए हैं जो हज पे जा रहे हैं। तो काफी भीड़ भी हो गई है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे, और